शीट नंबर 26 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, सर वन में डाउट है, वन में डाउट है, वन में किरचॉफ लॉ लगाना है, वन में बिल्कुल करंट की डिस्ट्रीब्यूशन भी क्लियरली आपको मेंशन है, थोड़ी सी लेंथी कैलकुलेशन जरूर है। तो वन के अंदर कितने वेरिएबल्स हैं, इसमें इसमें आई टू, इसमें आई थ्री, इसमें आई वन। मेरे को ये करंट डिस्ट्रीब्यूशन वैसे ज़्यादा पसंद है नहीं, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कि अगर यहाँ पर मैं आई कर दूँ सिर्फ आई, तो इसमें कितना कर दूँ आई डैश, तो इसमें कितना हो जाएगा आई माइनस। कोई बात नहीं, करंट ऐसे जाते जाने दो, कोई फर्क नहीं। तो ये ज़्यादा आसान है क्योंकि इसमें दो ही वेरिएबल रह गए, एक आई और एक आई डैश। ठीक है सौम्या, तो एक लूप यहाँ लगा लो, एक यहाँ लगा लो आंसर, ये ज़्यादा आसान रहेगा, ये मुश्किल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट, सेम समस्या। ये बुक्स की भी बड़ी प्रॉब्लम है, आई वन आई टू आई थ्री, वो इसलिए लेते हैं ताकि बच्चे को ज़्यादा समझ में आए, अलग अलग करंट है, पर मेरे को लगता है सेम सिचुएशन है। आई करंट में से आई डैश यहाँ भेज दो, आई माइनस आई डैश, ये ज़्यादा आसान है, इससे क्वेश्चन ज़्यादा ईजी हो जाएंगे, दो ही लूप्स लगानी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, फाइव में डाउट है, 5th, इसके बाद क्वेश्चन नंबर, इसके अंदर आपको बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है, आर ऑफ आई इज एल्फा इंटू ई ऑफ आई। जैसे पहली बैटरी के लिए आर वन क्या होगा, एल्फा इंटू ई वन, दूसरी के लिए क्या होगा, आर टू इज इक्वल टू एल्फा इंटू ई टू, और ऐसे करते करते आर एन क्या होगा, एल्फा इंटू ई की पावर, ऐसे। ये हर बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो करंट क्या होगा इसमें, करंट होगा टोटल ईएमएफ, सभी बैटरी सीरीज में है तो ये ईएमएफ है, डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, ये रही। अब इसके अंदर ये सब सीरीज में है ईएन तक, आर वन की वैल्यू क्या पुट करेंगे, एल्फा इंटू ई वन, एल्फा इंटू ई टू, ऐसे करते करते एल्फा इंटू ई एन, एल्फा कॉमन आ जाएगा तो ई वन ई टू ई थ्री सब कैंसिल हो जाएगा, तो वन बाई एल्फा करंट हो गया। ठीक है, यस सर। और एक और चीज वो कह रहा है, इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालो nth सेल का, तो क्या होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा e ऑफ n माइनस करंट इनटू r ऑफ n, तो v ऑफ n इज इक्वल टू e ऑफ n, e ऑफ n तो ऐसे ही रहने दो, करंट i, i क्या है 1 बाय अल्फा हो रहा, और r ऑफ n क्या है, अल्फा इनटू e ऑफ n, आंसर। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, v माइनस v इज इक्वल टू e माइनस आया। ठीक है, यस सर। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 में दो सेल्स हैं, 3 वोल्ट है, नहीं ये तो गलत है, 3 और 4 वोल्ट है, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 एंड 2 गिवन है, ये मैं गलत है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो इसके अंदर डायग्राम बना लेना, एक 3 वोल्ट और एक 4 वोल्ट, ये पैरेलल में है, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम और 2 ओम है। To send current in same direction, ये रहा same direction, through an external resistance of 5 ohm. तो ये कितना है? 5 ohm. तो ये मिलके current 5 ohm में भेजेंगे. Draw the circuit diagram बन गया. दोनों मिलके इसमें भेज कर रहे हैं. नहीं देखो, दो batteries हैं और एक resistor है. Resistor का battery से क्या ध्यान देना? Identical batteries का concept पकेगा. दो की जगह एक battery लगा हुआ answer. Resistor को लगी रहे हैं तो जहाँ लगती है. हो सकता है आंसर ऊपर नीचे आ जाए, पर किया किसी ने, आ रहा आंसर थोड़ा अलग आ रहा है, कोई बात नहीं, आंसर अलग, एसएल के अंदर ऐसी बड़ी मिस्टेक्स हैं, बड़ी बात नहीं है, सारी बुक्स में है ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7, किरचॉफ लॉ, 8, सर 8th क्वेश्चन में एल कौन सा करंट है, 8th क्वेश्चन में एल करंट लिखा हो ना, एंड द वैल्यू ऑफ करंट एल कौन सा, नहीं नहीं करंट आई है, वैल्यू ऑफ करंट आई, आई करंट है, टोटल निकालना है। वैसे मैं सोच रहा हूँ ये किरचॉफ से कर क्यों रहा है, मुझे लगता है यार ये दोनों सीरीज में है, इसके साथ पैरेलल में है, इसके साथ सीरीज में, इसका पैरेलल आंसर आ गया यार, ये तो काम कहीं आई वन आई टू ड्राई जा रहा है, जरूरत नहीं किरचॉफ लॉ की इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, यस इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में काम कर लेना, ये आई करंट आया, आई में से काम करो, यहां पास करो आई डैश, यहां पे क्या आएगा आई माइनस आई डैश, ये रहा। तो लूप लो, एक बार यहां एक बार यहां, दो वेरिएबल रह गए ना, आई और आई डैश, आंसर।
4 ओम, अच्छा नो करंट फ्लो, ओके ठीक है. वो कह रहा है यूजिंग किरचॉफ लॉ फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस आर, अननोन रेजिस्टेंस आर, सो दैट नो करंट फ्लोस थ्रू 4 ओम. एक काम कर लेना, लूप लॉ लगाना, इसमें मैंने करंट आई डैश भेजा था ना, तो जो भी लूप लॉ उसमें आई डैश को जीरो पुट कर देना और आसान हो जाएगा, एक वेरिएबल ही आया आ जाएगा, फिर तो आंसर ही आ गया और आसान हो गया, क्योंकि उसने कहा कि नो करंट फ्लो थ्रू 4 ओम, उसे कहा इसलिए नो करंट 4 ओम इसलिए, नहीं तो करंट तो जाना ही था. उसने वही कह रहे मत लो, मत लो उड़ा दो इसलिए, ठीक है. तो लूप लॉ से आएगा. नेक्स्ट ये हमने कर लिया था, इसका तो बता दिया था मैंने आपको, ये हो गया नहीं हुआ. कैलकुलेट द करंट ऑफ 6 वोल्ट बैटरी, इसका निकालना है. क्या किया भाई, पैरेलल में कैसे हो जाएंगे ये, किरचॉफ लॉ लगेगा इसमें, पैरेलल में तो नहीं होते ये. तो कुछ इस तरीके से किया, क्योंकि इस वायर की रेजिस्टेंस नहीं है तो पोटेंशियल यहां से सेम करते हुए इसको हटा दिया. अब आपके पास क्या आया, ये बैटरी है आई वन, I1 में से I2 इधर गया तो I1 माइनस I2 इधर आया, इधर से घूम के क्या आ रहा है I2, राइट, इधर से घूम के I2, तो यहां से जो I2 आ रहा है इधर से I1 माइनस I2 आ रहा है, तो इधर से कितना आ रहा है, इधर से करंट I2, इधर से करंट I3 भी आ रहा है I3, ये करंट I3, ये करंट I2 मिलके I2 प्लस I3, I2 प्लस I3 में से वापस इसमें कितना चला गया I3, नहीं बात बनी नहीं है इसमें, सही नहीं करके गया ये, क्योंकि इसमें करंट I2 वापस आ रहा है, ये तो हो नहीं सकता, इसने दिया I1, I खुद ही बनानी पड़ेगी इसमें, तो I करंट सर इसमें अगर दूसरे बार I1 माइनस I2 वाला भी ले लेंगे तो शायद सही हो जाएगा, मतलब जंक्शन पे अगर ये वाला करंट भी ले लेंगे तो शायद सही हो जाएगा 6 वोल्ट बैटरी से. कोई और शॉर्टकट, इसमें अगर हम आई करंट ले लें, इसमें अगर हम आई करंट लें तो इसमें गया आई डैश, आई डैश ये जंक्शन है, तो इधर भी आया आई, इधर से आया I डबल डैश, में से I इधर गया तो इधर I डबल डैश माइनस I, राइट, तो इधर आ रहा है I डबल डैश माइनस I, इधर से आ रहा है I डैश. अब इनमें जाना है करंट को, तो इनमें जाने के लिए अगर मैं यहां से करंट लेता हूं I2, कुछ भी I2, जो कि यहां पे आएगा I2, तो ये तीनों इनकमिंग करंट्स हैं, इनकमिंग करंट्स हैं, तो आउटगोइंग करंट क्या जाएगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस, क्योंकि तीन आ रहे हैं तो एक तो जाएगा ही ना, तो कितना जाएगा एक बार बस वो चेक करना है, आई टू प्लस आई डैश प्लस आई डबल डैश माइनस आई, ऐसे जाएगा, सारे करंट ही उल्टे हो गए, तो ये करंट यहां पर आ रहा है, इसको कितना चाहिए आई डबल डैश, तो ये तो गया इसमें से आई डबल डैश, कितना बचा I2, I डैश और माइनस I, तो यहां से कितना चाहिए I2, तो I2 भी गया, क्या बचा I डैश माइनस I, तो I डैश माइनस I करंट, नहीं बात बनेगी नहीं इसमें भी, कैलकुलेशन पूरी नहीं बैटरी इसके अंदर भी, कहां गया I2 I2 प्लस I3, इधर से I1 माइनस I2, ये भी गड़बड़ है, क्योंकि देखो यहां से आया I2, यहां से आया I3, दोनों मिलके यहां चले गए, तो ये जो करंट है वो कहां जा रहा है, तीन, हाँ मैं वही तो कह रहा हूं ना कि इधर से आया I2, इधर से आया I3, ठीक है, जंक्शन पे क्या मिला,
आई टू प्लस आई थ्री और इधर से आया आई वन माइनस आई टू, तो तीन इनकमिंग करंट है। तो अगर मैं इन तीनों को ऐड करूं तो ठीक है, मानता हूं आई टू से आई टू क्या हो गया कैंसल, क्या बचा आई वन बचा और इधर से आई थ्री, तो यहां पे आई टू प्लस आई थ्री की जगह आई वन प्लस आई थ्री होना चाहिए, तो ये गलत है, तो यहां पे होना चाहिए आई वन प्लस आई थ्री। चलो आई वन प्लस आई थ्री आया, इसको मिला आई वन, इसको मिला आई थ्री, अब सही है। अब लगा लो तीन लूप और आंसर आ जाएगा, सही नहीं क्या हुआ उसमें। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक, लंबी कैलकुलेशन है पर आप टेंशन ना लें, ऐसे क्वेश्चन आते नहीं, तो आप प्लीज इतना इमोशनल ना हो जाना कि यार मेरे से किरचॉफ लॉ नहीं हो रहा, मैं क्या करूं, इलेक्ट्रिसिटी छोड़ देता हूं। मेरे ख्याल से मैंने ही ऐसा क्वेश्चन आता देखा, नीट में तो बिल्कुल नहीं देखा। एक तो कौन करेगा इतने जाल भी जावे जाके, कौन करंट डिस्ट्रीब्यूशन, कोई नहीं करेगा। बैटरीज, एनर्जीज, ई एम एफ, इनके ऊपर क्वेश्चन आने, पोटेंशियोमीटर, व्हीट स्टोन ब्रिज, इनके ऊपर मेरे क्वेश्चन आने हैं। पर चलो किरचॉफ लॉ की प्रैक्टिस के लिए तो ठीक है, सही है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक, तो ठीक है फिर बचे हुए क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम ही करते हैं।